प्यारे बच्चों, हमने देखे कि जमात पंजू माहौल का मुताल्या हिस्सा दो सबक नंबर 9 मुस्तकिल जिंदगी शहरी तहजीब। इसमें हमने पहला देखे 9.1 दांत का इस्तेमाल। दूसरा यूनिट हम देख रहे 9.2 पहिए यानी चाक की दरियाफ्त। तीसरा यूनिट देखे हमने तिजारत और आमद और अब देखेंगे 9.4 शहरों का कयाम और रस्म पर। तो बच्चों, हमने देखे कि दूर तक फैली हुई तिजारत, माल की दरिया और बड़े पैमाने पर पैदावार करने वाले पैदावारी मराकिस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के काम करने वाले अफराद एक मकाम पर जमा हुए और शहर बसने लगे। बढ़ती हुई तिजारत, जैसे जैसे तिजारत बढ़ती गई, बड़े पैमाने पर माल दरियाफ्त हुआ, बड़ी मंडियों में पहुंचाया जाने लगा, तो उसके बाद और पैदावार का मुस्तकिल तौर पर इंदराज होने लगा, तो इंदराज रखने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह तहजीब का अपना रस्म-ओ-ख़त तैयार हुआ। बच्चों, हमने देखे दो मुस्तकिल जिंदगी और शहरी तहजीब सबक में। पहला पॉइंट देखे हमने 9.1 दांत का इस्तेमाल। दूसरा देखे 9.2 पहिए यानी चाक की दरियाफ्त। इजारत और आमद और रफ 9.3 9.4 शहरों का कयाम और रस्म ख़त। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 शहरी समाजी निज़ाम 9.5 शहरी समाजी निज़ाम। तो बच्चों, हम समाज में रहते हैं, अब हम ये देखेंगे, ये सच है, दुनिया भर की शहरी तहजीबों के उभरने और तरक्की कर जाने के पसे कुछ एक अहम वजह तिजारत की बुनियाद है। ये जो मुस्तकिल जिंदगी है हमारी, आज हम इतनी अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, घर बना रहे हैं, लिबास हमें मयसर है, हर जरूरी सामान मयसर है, जरूरियाती जिंदगी आसानी से हमारी पूरी हो रही है, तो ये मुस्तकिल जिंदगी जो है हमारी, तो हम गौर करेंगे कि ये सब धीरे 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 इंसान ने तरक्की किया, नई नई चीजें तहकीकात जदीदात और तरक्की के जरिए हासिल की। तो ये सच है, दुनिया भर की शहरी तहजीबों के उभरने और तरक्की कर जाने के पसे कुछ एक अहम वजह तिजारत भी है। इस कामयाबी के पीछे एक अहम वजह तिजारत है, तरक्की और खुशहाली थी, लेकिन इस शहरी तहजीब की बुनियाद पत्थर के जदीद जमाने की जरई तहजीब के सहारे जरई तहजीब में पहनने वाली अकीदत शहरी तहजीब में गैर मुतासिर और बेरोक-टोक थी। दुनिया की कदीम शहरी तहजीब की इब्तिदा थी, जिसकी वजह से आज हम इतनी सहूलियात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और सामाजिक निज़ाम कायम है।